हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL के चार सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज हम लोग करने चाह रहे हैं सेट 5। ठीक है, वो जो 2020 में हुए थे CHSL के पेपर्स, उनमें से पांचवा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, ए वही है, फाइंड एनी एरर। तो पूरा उतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आ जाते हैं हम लोग एरर पर। द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। ठीक है ना, तो जम्प्ड क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये एंड लगा है, अगर एक एंड के बाद एक वर्ब है तो दूसरे भी एंड के पहले वर्ब होनी चाहिए। ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। और वो किसकी सेकेंड फॉर्म है, वो सेकेंड फॉर्म है स्विंग की। अब स्विंग ये फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसकी सेकेंड फॉर्म एक्चुअली होती क्या है, SWUNG, स्विंग, स्वंग, स्वंग, ये हुई इसकी सेकेंड फॉर्म। और यही स्वंग ही उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो स्विंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वंग और स्वंग। क्लियर हुई बात। चलिए, तो स्विंग की जो सेकेंड फॉर्म है वो स्विंग्ड ना हो करके स्वंग होती है। ठीक है, अब हमारी एरर कहाँ होगी, एरर है ये बी वाले में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो आप जहाँ एरर है वो ऑप्शन बी है। कहीं आप अपनी एक आदत के मुताबिक कि पहले वाले पार्ट में एरर है तो ए होगा, ऐसा सोच के मत चलिएगा। क्योंकि अगर ऐसा सोचते हैं तो ये देख लिए ए में क्या लिखा है, ऑन द ब्रांचेज। ठीक है, तो ये है नहीं। ए कहाँ दिया हुआ है, जो आपका पोर्शन था द मंकी स्विंग्ड, ये एक्चुअली है कहाँ, द मंकी स्विंग्ड बी में है। तो जब आप करेक्ट एरर ढूंढ लें तो उसका ऑप्शन भी देख लीजिएगा, वहाँ से मत तय करिएगा ABCD। नीचे देखिएगा कि आपको जो मिला है वो किस ऑप्शन में है। अभी देखिए नो एरर, वैसे आपकी आदत होगी नो एरर डी में लगाने की, यहाँ नो एरर सी में दिया हुआ है। तो इन बातों का ज़रा ख्याल रखिएगा, वरना सही किया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई काम नहीं बचेगा। ये अगला क्वेश्चन रहा, और पूछ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी इसकी। रिपोर्टेड स्पीच तो देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या है। नील आर्मस्ट्रांग पर लिखा हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग सेड, जब ये चंद्रमा पर पहुँचे थे तो इन्होंने कहा होगा, इट्स ए स्मॉल स्टेप ऑफ मैन बट जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसमें कुछ करना वरना नहीं है, बस यह है इट के बाद क्या लगा है, इज लगा है। जो इट्स है वो क्या है, एक्चुअली इट इज है। बस इसी इट इज की जगह इट वाज हो जाएगा और बाकी यहाँ पर दैट लग जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट और इज की जगह वाज, हमें दो चीज़ ढूंढनी है आपको। ये दैट लगा है और ये वाज लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ सेज लगा है, जब यहाँ सेड है तो ये सेज कैसे हो सकता है, और यहाँ हैड सेड, जब यहाँ सेड है तो ये हैड सेड क्यों हो जाएगा, रिपोर्टेड तो है नहीं। अब यहाँ सेड है और दैट है, अब यहाँ क्या लिखा इन्होंने, ये कैन कर दिया, तो इज का कैन कैसे बन जाएगा, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, नील आर्मस्ट्रांग सेड दैट इट वॉज अ स्मॉल स्टेप ऑफ मैन बट अ जाइंट स्टेप ऑफ मैनकाइंड। तो आपका सही आंसर है केवल ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार फिर खाली जगह भरने को, द फर्स्ट वैन वाज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। ये आप क्या सोचिएगा, अंग्रेजी का कोई वर्ड ना सोचिएगा, ये क्या है, ठग। ठीक है ना, ठग, तो ठग, अब ठग की मीनिंग क्या बताए, ठग बने ठग। ठीक है, तो पहली वैन भेजी गई थी ठगों को मिसलीड करने के लिए। तो एज अ क्या, एज अ परसुएशन ना, राज्य करने के लिए भेजा, टेम्पटेशन लालच देने के लिए ना, एज अ डिटर्मिनेशन ये भी नहीं, तब क्या होगा, एज अ डिक्वाय, हाँ ये हो सकता है। तो ये जो डिक्वाय होता है ये इसका मतलब होता है झांसा देना किसी को। ठीक है ना, झांसा देना या किसी को फंसाने के लिए चारा डालना, तो ये होता है। पहली वैन जो भेजी गई थी वो ठगों को मिसलीड करने के लिए किस रूप में, झांसे के रूप में। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कह क्या रहे हैं,
कुछ सब्स्टिट्यूट करने को कह रहे हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है, एक अंडरलाइंड पार्ट दिया हुआ है। तो जैसा जानते हैं एसएससी में अंडरलाइंड पार्ट को क्या करने के लिए देते हैं, इम्प्रूव कर दो। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर द ऑप्शन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी फॉर द चेंज ऑफ कैरियर, मेरे कैरियर को बदलने के लिए क्या ऑप्शन है। तो अवेलेबल के बाद जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो क्या होता है, देखिए अवेलेबल के बाद आप टू भी लगा सकते हैं, अवेलेबल के बाद फार भी लगा सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ समबडी आएगा, कोई पर्सन, कोई चीज़ जब किसी पर्सन के लिए अवेलेबल होती है तो आप अवेलेबल टू द पर्सन या अवेलेबल फॉर द पर्सन, दोनों ही सही है, और यहाँ पर दोनों ही में से कोई भी नहीं लगा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल ओवर मी ये नहीं होगा, नो सक्सेस बाद में देखेंगे। ऑप्शन अवेलेबल टू मी ये मिल गया, ऑप्शन अवेलेबल फ्राम मी, फ्राम नहीं लगेगा, हमको आंसर मिला क्या, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अपैथेटिक का मतलब होता है जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से प्यार, ना किसी से दुश्मनी, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं, इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो देख लो इनडिफरेंट का यहाँ क्या पूछा जा रहा है, साइनोनियम। इररिलीवेंट ये हो सकता है, लेकिन जब इनडिफरेंट दिया है तो इररिलीवेंट क्यों लगाएं, अगर इनडिफरेंट ना होता तो हम लगा दें, ठीक है। तो बात समझ में, जब इनडिफरेंट दिया ही है तो और ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत क्या है, फिर इररिलीवेंट लगाने की कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इररिलीवेंट मतलब जो उसे रिलेटेड ना हो, इरेगुलर का मतलब जो अनियमित हो, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, तटस्थ, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत कोई काम जब तुरंत अभी के अभी, ठीक है, सिंघम का डायलॉग अभी के अभी। चलो अच्छा ये क्वेश्चन आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, फिर तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड एंड ऑफ द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस की जो ऊंचाई नापने का यंत्र है, तो अल्टीट्यूड ऊंचाई के लिए होता है। अल्टीट्यूड, अल्टी जब वर्ड लग जाए आल्ट, तो ये किसके लिए लगता है, ऊंचाई के लिए। अब ऐसे ही कहीं लिखा हो अल्टोफोबिया तो ऊंचाई से डर हो जाएगा, तो ऊंचाई नापने वाला मीटर क्या होगा, अल्टीमीटर होगा, और क्या, जाहिर सी बात है। बैरोमीटर क्या होता है, ये डेप्थ नापता है, गहराई नापने के काम आता है। क्रोनोमीटर क्या होता है, ये टाइम के काम आता है, टाइम नापता है। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मामीटर तो पता ही है, थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर नापता है। अल्टीमीटर क्या होता है, ये ऊंचाई नापता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए सेवेंथ देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में खाली जगह भरने के लिए पूछा है। अ माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स लीविंग लिटिल रूम फॉर सबॉर्डिनेट्स टू टेक डैश ऑन देयर ओन, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो मैनेजर है यही सारा काम कर लिया करता है, और अपने असिस्टेंट्स के लिए, अपने सहयोगियों के को डैश लेने के लिए बिल्कुल कुछ छोड़ता ही नहीं है। तो अभी एक बात ये देखना कि टू टेक, टेक क्या, टेक डिसीजन, टेक टेक डिसीजन होता है, टेक डिक्री होता है, कि टेक वर्डिक्ट होता है, कि टेक रिजल्ट होता है। डिक्री मतलब कोर्ट में जो फैसला दिया जाता है वो डिक्री होती है, और जज का फैसला जो होता है उसको वर्डिक्ट कहते हैं, ये दोनों कोर्ट से रिलेटेड है। और रिजल्ट क्या होता है, परिणाम होता है, तो टेक रिजल्ट नहीं होता, गिव रिजल्ट होता है। तो ये तीन के तीनों नहीं होंगे। टेक किसके साथ लगता है, डिसीजन के साथ लगता है, आपका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लंबा चौड़ा हेल्दी सा क्वेश्चन है। फिर पूछा इन्होंने कि जो अंडरलाइंड पार्ट है, देखिए अंडरलाइंड पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट करिए। अंडरलाइंड पार्ट ये दिया हुआ, इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी सेटर्ड, द ग्लास बॉटल मतलब जो शीशे की बॉटल है विल बी सेटर्ड, वो टूट जाएगी। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग का मतलब हुआ अगर बॉक्स टूटा तो गिलास की बोतलें बिखर जाएंगी। तो रिजल्ट में द बॉक्स के बाद, द बॉटल के बाद विल लगा हुआ है ना, तो ये फ्यूचर में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए।
इफ द बॉक्स ब्रेक, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक में एस लगाना पड़ेगा, बॉक्स सिंगुलर है, ब्रेक्स होगा, तो ये वाला नहीं होगा, अब ये वाला होगा, इफ द बॉक्स ब्रेक्स, इफ द बॉक्स ब्रेक्स ये होगा। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ गलत है। और इफ द बॉक्स ब्रोक, ब्रोक क्यों होगा, अगर ये हम ब्रोक कर दें तो आगे जानते हो विल का वुड हो जाएगा, अगर ब्रोक करते तो वुड होता, यहाँ विल लिखा है तो इसका मतलब ब्रोक नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा बी जो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूँ ही देखते देखते हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। एंटोनियम ऑफ कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है, किसी को फोर्स करना, ठीक है, कोई काम करने के लिए किसी पर दबाव बनाना, उसको परसुएड करना, उसको इंड्यूस करना, कंपेल, फोर्स, इंड्यूस और परसुएड ये हो जाता है, इन्फ्लुएंस भी आ सकता है कुछ कुछ, तो इसका एंटोनियम बताना है आपको। तो एंटोनियम क्या होगा, जब साइनोनियम परसुएड हो सकता है तो इसका एंटोनियम डिसुएड होगा, जाहिर सी बात है, कहाँ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 10 में, हौले हौले पहुँच गए हम लोग। क्या कह रहे हैं, एक आइडियम है, अब उसका आपको मतलब बताना होगा, बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का क्या मतलब होता है बताइए, जानते हैं, बटर फिंगर्स का मतलब होता है फूहड़, एक वर्ड सुना होगा, गांव के लोग जरूर सुने होंगे, फूहड़ का मतलब क्या हुआ, बेसऊर, बेसऊर समझ रहे हैं, कुछ लोग जरूर समझ गए होंगे, बेसऊर का मतलब क्या होता है, जिसे कोई काम करने का सऊर ना हो, तरीका ना हो, फूहड़ हो, जो बेढंगा होता है आदमी, क्या कहते हैं उसको, क्लमजी, फूहड़, ठीक है। इफिशियंट मतलब बड़ा कुशल होता है, ये तो अपोजिट हो जाएगा। बटर फिंगर्स का मतलब क्या हुआ, जिसका हाथ बहुत ख़राब होता है, जो फूहड़ होता है, जो अच्छे से काम नहीं करता है, किचन में एक चाय बनाएंगे पूरा किचन छितरा के चले जाएंगे, उन्हीं लोगों को कहा जाता है फूहड़ बेसहूर, ठीक है। चलिए एक वर्ड है, अब यहाँ दिया हुआ है एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जम्बल्ड आर्डर में है, उस जम्बल्ड आर्डर के सेंटेंसेज को आप आर्डर में कर दीजिए। चलिए ये देखते हैं कैसे आर्डर में होंगे, ये आ गए, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा जम्बल्ड आर्डर वाला, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, ड्यू टू दिस टिल्ट, ड्यू टू मतलब इसकी वजह से, मतलब ये परिणाम दे रहे हैं, दिस टिल्ट, ये दिस हो गया और टिल्ट हो गया, तो आप इसके पहले एक टिल्ट ढूंढिए, हमको तो दिख गया ये, अब ये अब क्या करेंगे भाई, टीचर होने की यही खराबी होती है, खराबी कहो अच्छाई कहो जो कहो, कि वो चीज़ें सीधे वहीं जाती ही हैं, मतलब जहाँ देखना होता है, एक पेज सही सही लिखो नहीं दिखेगा, एक लाइन में अगर कहीं जरा सी गलती हुई ना, बिंदी नहीं लगाए हो गई आई में, तो दिखाई दे जाता हम लोगों को। तो ये दिस टिल्ट यहाँ लिखा हुआ था, ड्यू टू दिस टिल्ट, इसका मतलब हम सी के बाद ए लगा लें, हमको तो हमारा पेयर मिल गया, सी के बाद ए लगाना है, ठीक है। तो सी के बाद ए ढूंढ लीजिए किसमें दिया हुआ है, सी के बाद ए इसमें दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है सी के बाद ए, और किसी में हमको सी के बाद ए नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा काम तो हो गया फिलहाल यहीं पे, हमने पूरा पढ़ा वढ़ा नहीं, ठीक है, पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन ये लग गया हमारा तो लग गया, अगर दो में दिया होता सी ए तो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते, नहीं तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा काम ख़त्म। एक चीज़ हमको पक्की पक्की मिल गई, उसका ऑप्शन एक ही में दिया है, बात ख़त्म। वैसे आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको, नहीं तो आप कहेंगे कि अपने मन का करके निकल गए। तो ड्यू टू दिस टिल्ट, इस झुकाव के नाते, एज द अर्थ वोवल्स राउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर आर लेस लाइट, तो धरती के अलग अलग हिस्से कम या ज़्यादा सूर्य की रोशनी पाते हैं। फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब इसके अलावा, वी आल्सो भी लगा है, वी आल्सो वुडंट हैव सोलिस्टिक एक्विनॉक्सेस, ठीक है, तो संक्रांतियाँ ना होती। आगे लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं कि सीजन्स आर कॉज्ड बाय अर्थ हैविंग अ स्लाइट टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, हम जानते हैं कि जो सीजन होती है वो धरती के थोड़ा सा अपने एक्सिस पर थोड़े से टिल्ट होने के नाते है। इफ़ द सन जस्ट सोन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, अगर सूरज
केवल इक्वेटर पर ही चमकता ऑल ईयर लॉन्ग पूरे साल भर, तो वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन्स, तो कोई सीजन विजन चेंज ही ना हुआ करती। अब बताइए तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी थी, शुरुआत कहाँ से करनी थी। एक थ्योरी दी गई है, एक प्रिंसिपल दिया गया है कि सीजन जो बदलती है वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर थोड़े से टिल्ट होने के नाते है, ये है। अब इसको एक्सप्लेन किया है, इसी टिल्ट के नाते अब पृथ्वी का कुछ हिस्सा सूरज गर्मी पाता है, कुछ नहीं पाता है। इसके बाद बी में कह रहे हैं कि अगर उसके बाद अब दूसरी बात पे आए ना, अगर सूरज केवल इक्वेटर पर चमकता तो हमारे पास कोई सीज़न ना होती। अच्छा, यहाँ कहा कि हमारे पास कोई सीज़न ना होती, दूसरी बात कह रहे हैं कि हमारे पास सोलिस्टिक इक्विनॉक्स भी ना मिलता हम लोगों को ना, तो ये देखो वी आल्सो वुड नॉट हैव, ये भी लग गया यहाँ पर। तो अब मिला आपको कि यही वाला आंसर होना चाहिए था, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इनकरेक्ट स्पेलिंग है, देखिए सेक्लूडर की सही है, व्हिस्पर मतलब फुसफुसाना, व्हिस्पर क्या होता है, किसी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहना। रीडेबल गलत है भाई, रीडेबल में रीड की स्पेलिंग लिखिए और रीड में एबल लगाइए, तो रीड में एबल लगेगा ए बी एल ई, आई बी एल ई नहीं लगेगा, फिर ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला वर्ड दिया हुआ है एंटोनियम, बताना है किसका, नैब का। नैब का मतलब क्या होता है जानते हैं, नैब का मतलब होता है निहायत ही सीधा सादा। सीधा साधा का मतलब आप कितना सीधा साधा है पता है, ये मिट्टी के माधव हैं, आप कह सकते हैं उनको गोबर गणेश, तो नैब हो जाएगा। और एक वर्ड हो जाएगा डोसाइल, एक वर्ड और आता है इनके लिए गुलबिल, गुलबिल मतलब बहुत ही डांट के कहते यहीं खड़े हो जाओ तो यहीं खड़े रहेंगे, रात दिन पूछेंगे भी नहीं क्यों। ठीक है, तो नैब इतना सीधा साधा निहायत डोसाइल और गुलबिल टाइप का आदमी होता है, तो इमेच्योर तो इसका होगा नहीं, होगा भी तो सैनोनियम हो जाएगा। अनसस्पिशियस का कोई लेना देना नहीं है, जिस पर हम संदेह ना करें। सिंपल तो करीब करीब सैनोनियम में चला जाएगा। सोफिस्टिकेटेड इसका क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड मत बड़ा ही स्मार्ट टाइप का आदमी होता है, बुद्धि उद्धि से भी बड़ा तेज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या लगाना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड जो बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिमान आदमी होता है, वो सीधा साधा गोबर गणेश नहीं होता, मिट्टी का माधव नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आप बताइए 14 में एप्टीट्यूड की स्पेलिंग सही है या गलत है। सही है, एटीट्यूड की स्पेलिंग क्या है, सही है। अट्रैक्टिव की स्पेलिंग क्या है, गलत है। अल्टीट्यूड की क्या है, सही है। तो अट्रैक्टिव में होता क्या है, ए डबल टी के बाद आर ए होगा, अब यहाँ क्या लिखा है, ए आर लिखा हुआ है, देखिए ए डबल टी आर ए सी टी आई वी ई, ये होता है अट्रैक्टिव की स्पेलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंदाज़ा नहीं था कि इतना इजी स्पेलिंग पूछ लेंगे अट्रैक्टिव वगैरह की। चलिए, तो यहाँ पर फिर एरर वाली बात आ गई, वैसे भी इस तरह का सेंटेंस देख के लग जाता है कि एरर, ये जहाँ स्लैश लगा तहाँ दिमाग में आया कि एरर की बात हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एरर क्या है। एरर देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, शरीर के अलग अलग कामों के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो फूड से मिलती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म होगा, तो रिक्वायर्ड के बाद क्या लगाएंगे, जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना था, तो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ये गलत हो गया ना, फॉर परफॉर्म, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। ध्यान रखिएगा ये सी में है, एक बार पिछली बार भी मैंने बोला था फॉर परफॉर्म गलत है, तो आप बी मत लगाइए। देखिए फॉर परफॉर्म कहाँ लिखा, फॉर परफॉर्म लिखा है सी में। ठीक है, तो ये सी पर पोर्शन है, इसको बी मत मान लीजिएगा, बी में तो नो एरर दिया हुआ है जो डी में हुआ करता था। तो इस तरह से जगह बदल देंगे, पता लगा आपने सॉल्व तो सही किया लेकिन आंसर जो है वो गलत लगाया, तो ऐसी भी जल्दबाजी किस काम की भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है कि आप पैसिव वॉइस में चेंज करिए, हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस,
तो पेपर्स पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, पेपर्स हैव का हैव ही रहेगा। अब हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव बीन। अब हैव का हैव बीन होगा, इसमें हैड होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हैव ही होगा, ये हैड लगा दिया गलत है, और पेपर्स प्लूरल है, हैज नहीं होगा, दो गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ हैव द पेपर्स बीन यहाँ लगा है, हैव द पेपर्स बीन यहाँ लिखा है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ सबमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कट गया। तो आपका कौन सा आंसर हुआ, केवल ए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंतज़ार कर रहा है। 17 में क्या कह रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके लिए, आप प्लेस आर सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट या कन्फ्लिक्ट, खास तौर से डिबेट या कन्फ्लिक्ट की बात कर लो। तो ये देखना होगा, कन्फ्लिक्ट होता है जहाँ, डिबेट होता है जहाँ, टकराव होता है, लड़ाई होती है, उसको फ्लोर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, एरेना। एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, अखाड़ा, जहाँ दो लोग लड़ते हैं, पहलवान वगैरह जहाँ लड़ते हैं, या बॉक्सिंग वगैरह जिस रिंग में होती है उसको एरेना कहा जाता है। स्टेडियम जहाँ खेलते हैं, साइट जहाँ काम चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे बढ़िया क्या हो गया, एरेना। आपका आंसर क्या हो गया, एरेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या क्या रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, ये जंबल्ड ऑर्डर में है, इसको आपको सही करना है। ठीक है, आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं इसमें, देखें कोई क्लू मिलता है कि नहीं मिलता है। गेम्स इन्वॉल्व ग्लेडिएटर्स फाइटिंग विद वाइल्ड एनिमल्स और ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। कोई क्लू नहीं मिला। इनसाइड, उसके अंदर, टायर्ड सीटिंग एंड सर्कल्ड द एरेना। ठीक है ना, तो टायर्ड सीटिंग हुआ करती थी, इन सर्कल्ड द एरेना। आगे लिखा है कि वेयर एनिमल्स वर केज्ड एंड स्टेज सेट्स प्रिपेयर्ड। आगे लिखा है, इनॉग्रेटेड इन 80 AD द 50,000 सीट कोलोसियम इज आल्सो नोन एज द फ्लेवियन एम्फीथिएटर। ठीक है ना, तो इतने 50,000 सीटें थी, उसको फ्लेवियन एम्फीथिएटर कहा जाता था, ये इनॉग्रेट किया गया था 80 AD में। आगे लिखा है, रोम्स ग्रेटेस्ट ग्लेडिएटोरियल एरेना इज द मोस्ट मोनूमेंटल ऑफ द सिटीज एंशियंट साइट्स। मतलब इसी के बारे में बात ही हो रही है, तो सबसे पहला सेंटेंस यही डी हो जाएगा, इसी की तो स्टार्टिंग, बाकी पूरे में ए बी सी में तो इसी की बात हो रही है कि यहाँ पे हुआ क्या करता था और इसके इनसाइड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अब ये ग्लेडिएटरल एरेना की, उसके बाद ये बताएंगे कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन के बाद क्या होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ शेर वगैरह ये सब रहते थे। उसके बाद आ जाओ ए में, तो उल्टे क्रम में चलते चलो, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उल्टे क्रम में चलते चलते कहाँ पहुँचे हम लोग, आ जाएगा हमारा आंसर सीधे सीधे इसमें। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ये चौथा हो गया, उल्टे क्रम में लगा हुआ है सारी की सारी घटनाएं। चलिए आगे बढ़ें, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये एक एडियम है, लार्ज हर्टेड। लार्ज हर्टेड मतलब बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला का मतलब ये थोड़े ना उनका दिल 1 किलो का होगा। उदार, बड़े दिल वाला क्या होता है, उदार। जैसे किसी ने किसी से 10 रुपये मांगे, उन्होंने कहा अरे यार लो 20 रुपये ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, तो उसको क्या कहता है, यार बड़े दिल वाले हैं, बर्द अपना घर लुटा दें तो बड़े दिल वाले हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, जेनरस कहा जाता है बड़े दिल वालों को। पूछा क्या था सिनोनियम के, तो अच्छा एडियम की मीनिंग पूछी थी, तो ये जेनरस हो जाएगा। करप्ट भ्रष्ट होता है, ये होगा नहीं। लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड ओवर ग्रेट भी नहीं, ओवर वेट भी नहीं होगा। लार्ज हार्टेड जो होता है वो अनहेल्दी भी नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। तो लार्ज हार्टेड मतलब बड़े दिल वाला, यानी कि जेनरस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होता है, सैलियंट कहते नहीं, तो जब क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं लिखा होता है सैलियंट फीचर्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो सैलियंट का मतलब क्या हो गया, प्रमुख, मेन, डोमिनेंट।
तो स्टर्डी मतलब होता है बड़ा मजबूत, ये तो होगा नहीं। मराइन का मतलब क्या होता है, जलीय, ठीक है। और नोटिसेबल का मतलब होता है जिस पर ध्यान जाए, ध्यान देने योग्य, उल्लेखनीय। तो नोटिसेबल उल्लेखनीय है और साइलेंट माने प्रमुख है, तो ये तो उल्लेखनीय और प्रमुख तो एक दूसरे के सिमिलर है। नेविगेबल मतलब जहाँ नौका नाए चलना हो चलाई जा सकती, ये होगा नहीं। एक ही ऑप्शन ही मिल रहा है सी के अलावा और कुछ है ही नहीं। चलिए 20 हो गया, हम लोग पहुँच गए 21 पे, जो कि क्रॉस टेस्ट होता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। कह रहे हैं इन द जेनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो जल विद्युत पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बिजली पैदा करते हैं पानी से, उसमें वाटर इज कलेक्टेड और डैश एट हायर एलिवेशन, ठीक है। तो बड़ी ऊंचाई पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब कलेक्टेड लिखा है, आर लग गया तो कलेक्टेड से ही मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ आएगा, ठीक है। बड़ी ऊंचाई पर एंड लेट डाउनवर्ड, और ऊंचाई से नीचे की ओर उसको पानी को गिराया जाता है। डैश लार्ज पाइप्स, तो पाइप के जरिए, यहाँ क्या हो गया, के जरिए, पाइप के जरिए, तो थ्रू हो सकता है, थ्रू द पाइप। आगे आगे लिखा है द डिफरेंस इन एलिवेशन इज डैश एज द हेड, जो एलिवेशन में ऊंचाई में जो डिफरेंस होता है उसको डैश नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है। यहाँ आ गया एट द एंड ऑफ एट्स पासेज, जब पानी धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है पाइप के जरिए, तो जब पानी पास होता है डाउन द पाइप, पाइप से नीचे की ओर, फॉलिंग वाटर, तो जो गिरता हुआ पानी है वो डैश द टर्बाइन टू रोटेट, वो टर्बाइन को चला देता है, टर्बाइन को रोटेट कर देता है। और जो टर्बाइन है इन टर्न ड्राइव जनरेटर, तो पानी गिरेगा तो टर्बाइन को चला देगा, और टर्बाइन जब चल जाएगी तो किसको चला देगा, वो जनरेटर को चला देता है। और जनरेटर क्या होता है, बिजली पैदा कर देता है। बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए तो जो पहला फिलर है वो क्या होगा, कलेक्टेड, और कलेक्टेड से मिलता जुलता वर्ड यहाँ क्या लगा सकते हैं। कलेक्टेड के बाद अमास्ड लगे या होल्डेड लगे या डिपोजिटेड लगे या स्टोर्ड लगे। देखिए अमास मतलब होता है कि लोग जब कहीं इकट्ठा होते हैं, कोई वस्तु कहीं इकट्ठा की जाती है, पानी नहीं ठोस वस्तु होगी तब अमास लगता है। होल्ड जमाखोरी होता है इलीगल ढंग से। डिपोजिट मतलब कोई चीज़ कहीं ले जाके जमा करना होता है। तो कलेक्टेड से ज़्यादा सटीक मिलता जुलता कौन है, कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, ठीक है। आगे चले तो अगला वाला जो है वो है 22। 22 क्या रहा है कि जब वो नीचे की ओर डाला जाता है, कलेक्टेड एट हायर एलिवेशन एट लेट डाउनवर्ड डैश लार्ज पाइप, तो मोटी मोटी पाइप के जरिए, तो पाइप के जरिए, पाइप के माध्यम से, तो बियॉन्ड पाइप होगा नहीं, ओवर पाइप होगा नहीं, एबव पाइप होगा नहीं, तो क्या होगा, थ्रू द पाइप। मतलब क्या होगा, जैसे कोई चीज़ ऐसे हो, ऐसे पाइप हो, और इसके अंदर से कोई चीज़ जाके इधर से निकाली जाए, तो क्या होता है, ये चूंकि इसके जरिए निकला तो ये कहा जाता है थ्रू। थ्रू मतलब के माध्यम से, पाइप वगैरह के लिए खास तौर से यूज किया जाता है थ्रू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या होता है कि एलिवेशन इज डैश एज हेड, एलिवेशन को हेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इज लगा है पहले ही, इज लगा है तो इज के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। इज बीइंग नोन तो होगा नहीं, क्या होगा, इज नोन, ठीक है। इज टोल्ड और इज नोन नहीं होगा, इज थर्ड फॉर्म लानी चाहिए थी, के नाम से जाना जाता है इज नोन, ठीक है। चलिए 24। 24 में क्या दिया हुआ है, लिखा है कि ये जो पाइप गिरता है वो क्या करता है, डाउनवर्ड जो पाइप है वो क्या करता है, फॉलिंग वाटर डैश टर्बाइन, जो गिरता हुआ पानी है वो क्या करता है, डैश टर्बाइन टू रोटेट, वो टर्बाइन को रोटेट कर देता है। तो क्या होगा, काजेस टर्बाइन टू रोटेट, वो टर्बाइन को रोटेट करा देता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हुआ, ए हुआ। अब इसके बाद जब टर्बाइन रोटेट हो जाएगी तो टर्बाइन जनरेटर को रोटेट चला देती है। अब द टर्बाइन इन टर्न ड्राइव जनरेटर्स, फिर वो जनरेटर को चला देते हैं। डैश कन्वर्ट द टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो इस प्रकार
ठीक है ना। अब ये जनरेटर है तो विच कन्वर्ट द टर्बाइन्स, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के लिए लगा ना, जनरेटर जो कि टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो टरबाइन के लिए लगाओगे जो कि, अब जो कि टरबाइन के लिए हो तो लग नहीं सकता और दे लगाना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ के रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, हुज लगेगा नहीं तब लगेगा विच, विच कन्वर्ट जो कि टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस आज के, और वी हैव डन, हमने 25 क्वेश्चंस कर डाले, ठीक है। तो अगली बार फिर मिलेंगे। अब ये एक पिछला वाला हमने सीजीएल का कराया था, अब ये आप सीएचएसएल का कर लिए, नेक्स्ट आप लोगों के लिए फिर सीजीएल ले आएंगे, फिर नेक्स्ट सीएचएसएल होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली बार सीजीएल के पेपर के डिस्कशन के साथ। इस बीच में थीमेटिक वोकैब या कुछ और सेगमेंट लाएंगे, तो उन लोग उसको आप लोग देखते रहिए। जितने भी वीडियो पड़े हैं सारे के सारे देख डालिए, इवन आप एनडीए वाले भी देख सकते हैं, भले सीडीए वो सीजीएल दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए वाले में भी एरर होगी, फिलर होगा और वोकैब होगी और अरेंजमेंट होगा, सब कुछ तो वही होता है जो आपके लोग अपोलो के में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जहाँ से भी मिले, जितना मिले, प्रैक्टिस से जहाँ से करने को मिले लूटो बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके उतना करो। फिर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे अगली बार सीजीएल वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।